गिनती की पुस्तक अध्याय 14 गिनती की पुस्तक अध्याय 14। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे और सब इसराइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी कि भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते वा इस जंगल ही में मर जाते और यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है। हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए। फिर वे आपस में कहने लगे आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। तब मूसा और हारून इसराइलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालिब जो देश के भेद लेने वालों में से थे अपने अपने वस्त्र फाड़कर इसराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूमकर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न तो उस देश के लोगों से डरो क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है उनसे न डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इनको पत्थरवाह करो। तब यहोवा का तेज सब इसराइलियों पर प्रकाशमान हुआ। तब यहोवा ने मूसा से कहा वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्यकर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे। मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उपजाऊंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। मूसा ने यहोवा से कहा तब तो मिस्री जिनके मध्य में से तू अपनी सामर्थ्य दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आया है यह सुनेंगे और इस देश के निवासियों से कहेंगे उन्होंने तो यह सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है और तू दिन को बादल के खंभे में और रात को अग्नि के खंभे में होकर इनके आगे आगे चला करता है। इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है वे कहेंगी कि यहोवा उन लोगों को उस देश में जिसे उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी पहुंचा न सका, इस कारण उसने उन्हें जंगल में घात कर डाला है। सो अब प्रभु की सामर्थ्य की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा का कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहां तक क्षमा करता रहा है वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। यहोवा ने कहा तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूं, परंतु मेरे जीवन की शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्म को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उसको वे कभी देखने न पाएंगे। अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने न पाएगा, परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। अमालेकी और कनानी लोग तराई में रहते हैं,
सो कल तुम घूमकर प्रस्थान करो और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल में जाओ। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ा रही है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इस्राएली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने तो सुना है। सो उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निस्संदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारी लोथे इसी जंगल में पड़ी रहेंगी और तुम सब में से 20 वर्ष की व उससे अधिक अवस्था के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालिब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय तुमने कहा है कि ये लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। परंतु तुम लोगों की लोथे इसी जंगल में पड़ी रहेंगी और जब तक तुम्हारी लोथे जंगल में न गल जाए, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार तीन पीछे एक वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। मैं यहोवा यह कह चुका हूं कि इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं, इसी जंगल में मर मिटेंगे और निसंदेह ऐसा ही करूंगा। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश के भेद लेने के लिए भेजा था और उन्होंने लौटकर उस देश की नामधराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था, उस देश की वे नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उनके सामने मर गए। परंतु देश के भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालिब दोनों जीवित रहे। तब मूसा ने ये बातें सब इसराइलियों को कह सुनाई और वे बहुत विलाप करने लगे और वे बिहान को सवेरे उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है, परंतु अब तैयार है और उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय यहोवा ने वचन दिया था। तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? यह सुफल न होगा। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। वहां तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, सो तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। परंतु वे ढिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से न हटे। तब अमालेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे, उन पर चढ़ाए और होरमा तक उनको मारते चले आए।